एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन तो आपको हर एक जगह मिल सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि इसको आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, इसलिए आपके लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है आपका कि एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जैसे 140 का प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है। 140 का प्राइम फैक्टर ये हम देख रहे हैं कि ये चूंकि इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल है। 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 70 इसका कोसेंट बचता है, फिर इसको 2 से डिविजिबल है ये तो 35, फिर उसके बाद यह 5 से डिविजिबल है तो ये 7। इस तरह से हम देखते हैं कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 पर पावर 2 × 5 × 7 इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि देख रहे हैं कि 156 इवन नंबर है तो इसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में 14 और 8 टाइम्स में 16। फिर ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 39 आता है। फिर इसको हम 13 से डिवाइड अगर करते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ पर हम 156 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। इसको दूसरे फॉर्म में 2 पर पावर 2 × 3 × 13 इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 3825 का फैक्टराइजेशन करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं 3825 में ये जो नंबर है आपका 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। तो इसलिए इसको जब 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 765 आता है। अगेन ये 5 से डिविजिबल है तो 153। फिर ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये तीनों डिजिट का सम 9 होता है और 9 जो कि 3 से डिविजिबल है तो इसलिए 153 भी 3 से डिविजिबल होगा। ये डिवाइड होगा 51 टाइम्स में, अगेन 3 से यह डिविजिबल है तो यह 17 हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 × 3 × 3 × 17 हो जाता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 17। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है आपका 5005। ये हम देख रहे हैं कि यह नंबर 5 इंड कर रहा है, ये डिजी 5 नंबर 5 से इंड हो रहा है इसलिए यह 5 से डिविजिबल है। 5 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 1001 आपको मिलता है। और ये जो नंबर है हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि यह 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, फिर उसके बाद 5 से देखेंगे। जब 7 से आप देखेंगे तो देखेंगे कि 7 से यह डिविजिबल है। 1 टाइम्स में 7, 4 टाइम्स में 28, उसके बाद 21 बच जाता है तो 7 × 3 = 21। फिर यह 143 11 से डिविजिबल है। तो कैसे पता चेक करेंगे कि यह 11 से डिविजिबल है? तो 11 से डिविजिबल होने के लिए एक रूल है क्या कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस पर भी जो भी डिजिट होता है उसका सम इक्वल होना चाहिए। जैसे ऑड प्लेस पर 1 और 3 है इसका सम 4 होता है, इवन प्लेस पर 4 है तो इस दोनों ये दोनों का सम बराबर है इसलिए यह 11 से डिविजिबल है। यह 13 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। और 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 7 × 11 × 13 आप लिख सकते हैं। उसके बाद 7429 क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। 7429 इसको हम
ट्रायल एंड एरर मेथड आप कह सकते हैं कि बारी बारी से हम चेक करेंगे टू से डिविजिबल है कि नहीं, टू से डिविजिबल तो नहीं है, थ्री से भी डिविजिबल नहीं है, फाइव से भी डिविजिबल नहीं है, सेवन से भी डिविजिबल नहीं है। इस तरह से आप देखते जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 17, जो कि यह 17 से डिवाइड होता है पूरी तरह से। जब 17 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो 437 आता है। अगेन 437 19 से डिविजिबल है, जो 23 टाइम्स में यह पूरी तरह से डिवाइड करता है 19 437 को। तो इस तरह से 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 19 इंटू 23 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपको निकालना है एलसीएम भी निकालना है एंड एचसीएफ भी निकालना है और इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आप जिस नंबर का निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ उसका प्रोडक्ट निकालिए अथवा उसके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो दोनों वैल्यू सेम ही हो जाएगा आपका। इसको आगे बढ़ाते हुए हम जान लें इसको बेहतर तरीके से कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर ये नंबर मान लीजिए ए और बी है तो इस तरह से ये एक तरह का रूल आपको बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला के तहत हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91। यहाँ पे ऑब्वियसली हम ले सकते हैं ए इक्वल टू 26, बी इक्वल टू 91। अब ए का प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का आप निकालते हैं तो 13 इंटू 2 लिख सकते हैं। बी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 91 को तो ये भी 13 इंटू 7 लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम देख कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होता है इसका कॉमन फैक्टर हमारा 13 है, इसलिए एचसीएफ 13 हो गया। उसके बाद एलसीएम जो भी कॉमन फैक्टर आया उसको तो लेंगे ही, अब दोनों के लिए उसको छोड़ के बाद बाकी जो भी नंबर बच जाता है उस सभी को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182 होगा। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग जान रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जान रहे हैं एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM का वैल्यू आपका हो गया 182 इनटू 13 और A वैल्यू जो है आपका 26 है और B 91 है। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2366 आएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। ओके, और इसके बाद आपका दो प्रॉब्लम इसमें बन जाता है, दिया गया है, जो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर भी मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ और जो आपके आपको आपके लिए सहूलियत होगा इसको आप देख सकते हैं। कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर टू 510 एंड 92। नाइन्टी टू को आप डिवाइड कीजिए तो 92 को डिवाइड करते हैं तो यह 12 से डिविजिबल है जिसको 46 लिख सकते हैं। उसके बाद यह 2 से अगेन डिविजिबल है, 23 लिख सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 510 का प्राइम
प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, उसके बाद 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 23, इसका HCF हो गया 2। जैसे 2 जो है कॉमन है, बाद में की कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और LCM इसका हो गया 2 इंटू 5, 2 इंटू ये 2 HCF, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 23,460 होता है। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन। हम लोग जान रहे हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू आपका हो जाता है A इंटू B। LCM का वैल्यू हो गया 23,460, HCF हो गया आपका 2, A हो गया 510 एंड ये 92। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से ये 02964, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 46920, तो इसको हम अंत में लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 एंड 54। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 168, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 84, फिर ये 2 से डिविजिबल है 42, फिर अगेन ये 2 से डिविजिबल है 21, अब ये 3 से डिविजिबल है इक्वल टू इनटू 7। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इस तरह से लिख सकते हैं, और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 2 से डिविजिबल है तो ये 27 आता है, फिर यह 3 से डिविजिबल है तो यह 9 आता है, फिर यह 3 से डिविजिबल है तो 3 आता है। इस तरह से 54 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका HCF हम लोग निकालेंगे, HCF वही होगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा, जैसे 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 एक इसमें है तो 3 एक इसमें भी है, तो 2 इंटू 3 इसका HCF हो गया। LCM इसका हमको निकालना है तो HCF को पहले ले लीजिए, जो भी HCF आया उसको हम ले लिए, उसके बाद जो भी बच गए 2 2 2 7 3 3 बचा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाता है ये 3024। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग जानते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B होता है। LCM हमारा हो गया 3024, HCF 6, A का वैल्यू 336 इंटू B का वैल्यू 54। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 18144, ये राइट साइड का भी वैल्यू 18144, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस 3 में कहता है क्या कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि क्वेश्चन टू में इस तरह का कुछ नहीं कहा गया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसीलिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्वेश्चन नंबर 2 में यूज कर सकते हैं। जहां तक क्वेश्चन 3 का सवाल है तो इसमें कहा गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन को ही यूज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 12, 15 और उसके बाद 21 है। प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12,
15 का आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 21 का लिख सकते हैं 7 इंटू 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 3 है, ऐसा नंबर जो कि तीनों में मिल रहा है, तो इसीलिए इसका HCF हो गया 3। अब LCM निकालना है, तो LCM के लिए कहा गया है कि जो कॉमन है उसको एक बार लीजिए, बाद बाकी जो बच गए सारे नंबर्स को, सारे नंबर डिजिट को आपको ले लेना है 2 × 2 × 5 × 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 420। इस तरह से ये आपका HCF निकल गया, उसके बाद ये आपका LCM निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग जाते हैं। इसमें कहा गया है कि 17, 23 एंड 29। तो 17 तो एक प्राइम नंबर है, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, तो इसको फिर भी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाने के लिए या अपनी सहूलियत के लिए हमको, हम इसको 17 × 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 23 को 23 × 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 29 को 29 × 1 लिख सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं 1 जो है सबके लिए कॉमन है, तो यहां पे HCF का वैल्यू हो गया आपका 1 और LCM जो हो गया इसका 17 × 23 × 29। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 23 × 29 तो ये वैल्यू संभवतः 11339 आएगा, जो कि आप आंसर इसका देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है 8, 9 एंड 25। क्वेश्चन नंबर थ्री 8, 9 एंड 25। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 1 भी लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 1, 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 25 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 1, क्योंकि 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर HCF अगर निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपली 1 लिख सकते हैं हम, और LCM निकालने के लिए कहा जाए तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब इस सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 1800 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 में देख लीजिए कि गिवन दैट HCF आपका दिया गया है किसका, 306 और 657 का, ये 9 HCF दिया गया है, तो आपको फाइंड करना है LCM। LCM किसका, 306 और 657 का LCM निकालना है। सिंपल है, हम लोग जान रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यहां पर LCM आपको निकालना है, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ नंबर आप लिख सकते हैं 306 इंटू 657 बाय HCF का वैल्यू 9 है, तो यहां 9 से डिवाइड कर दिए, 9 से ये डिविजिबल है तो 27, 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36। इस तरह से आपको मिल जाता है 34 × 657, जिसका प्रोडक्ट होता है 2238। यही आपका आंसर हो जाएगा, LCM हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है
कि शेख वेदर अगला क्वेश्चन है आपका चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पर 6 पर पावर n दिया गया है, n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आप जान रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नेचुरल नंबर है। इस n के जगह पे 1 आ सकता है, n के जगह पे 2 आ गया तो 6 का स्क्वायर हो गया, 6 पे पावर क्यूब हो गया, 6 पे पावर 4 हो गया, 6 पे पावर 5 हो गया। ये सब नंबर जो है इंड करता है कि नहीं, इंड करता है 0 से, इसको आपको चेक करना है। करता है वेदर मीन मतलब करता है कि नहीं करता है, इस चीज को आपको चेक करना है कि ये वैल्यू 0 से इंड होता है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ए को मान लेते हैं कि ए इक्वल टू आपका 6 पे पावर एन दिया गया है, तो इस ए को आप लिख सकते हैं 3 into 2 whole power n। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 per power n into 2 per power n। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो नंबर a है 6 per power m, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 3 प्राइम नंबर 3 और फिर सिर्फ 2 से ही यह बना हुआ है। तो इसको लिख दे कि हियर We observe that prime in the factorization of 6 to the power n is r 3 and 2 only, but we know that the number must contain 5 and 2 एज प्राइम नंबर टू इंड विथ 0। 0 से इंड करने के लिए किसी भी नंबर में 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है। जैसे यदि 5 into 2 करेंगे तभी आपका 10 आएगा। अब इसके साथ मान लीजिए 11 भी डाल दें तो ये वैल्यू 11 into 10 इस तरह से 110। तो 5 और 2 का होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 ना तो इसमें 5 है ना तो इसमें 2 है, यह बना है किससे? 3 से, सॉरी इसमें 2 है, माफ कीजिएगा, इसमें 3 है और 2 है, 3 और 2 है, इसमें 5 है नहीं। तो इस तरह से जब यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 नहीं होने के कंडीशन में एक आप लोग रूल पढ़े होंगे उसको हम यूज कर रहे हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि पिछले क्लासेस में हमने बता चुका है,
ये आप पहला दूसरा क्लास जो हमारा वीडियो अपलोड किया गया है उसमें आप देख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। इसको फिर से हमने रिवाइज कर दिया है कि ये फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका भी हो वो हमेशा यूनिक होता है। तो यहाँ ठीक यूनिक उसी तरह से है कि इसमें हम देख रहे हैं कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप जितना भी करें ये 3 और 2 ही आने वाला है, इसके सिवा और कुछ नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट और हमारे प्रूफ को ठोस कर देता है और बल प्रदान करता है कि यह निश्चित रूप से इसमें 5 नहीं है और यह 0 से कभी इंड हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज को लिखने के बाद हम अंत में यह लिख सकते हैं, सो देयर इज नो नो नेचुरल नंबर एन। एन कोई ऐसा नंबर नहीं है, किसके लिए? फॉर विच 6 पे पावर n इंड्स विथ द डिजिट 0। तो अब जैसे मान लीजिए 6 पे पावर 1 कर दीजिए, 6 पे पावर 2 करें, 6 पे पावर 3 करें, 6 पे पावर 4 कर दें, तो 6 पे पावर 4 होने के बावजूद भी ये 2 पर पावर 4 × 3 पर पावर 4 आता है। 6 पे पावर 5 कर दें तो 6 पे पावर 5 यानी 2 पर पावर 5 × 3 पर पावर 5 आता है। इसमें जो है आपका 5 जो है पावर के रूप में आता है, लेकिन 5 जो है इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, इसीलिए यह 0 से इंड नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन Why 7 × 11 × 13 + 30 and 6 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite number। ये आपका composite number क्यों है? तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग समझ लें कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। जैसे आप लोग 8 एक नंबर लीजिए, 8 प्राइम नंबर हम लोग जान रहे हैं कि वह 1 से डिविजिबल होता है या इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होता है। तो कोई भी नंबर जो है 1 से डिविजिबल होगा ही और वो खुद से भी डिविजिबल होगा ही। इसके अलावे हम देखते हैं कि एन डिविजिबल है, 8 डिविजिबल है 2 से, उसके अलावे देखते हैं क्या कि 8 डिविजिबल है 4 से। तो इस कंडीशन में यह जो है हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है 1 और इटसेल्फ के अलावे। अगर वह किसी से डिविजिबल है कोई भी एक नंबर से तो वह कंपोजिट नंबर है। अब जैसे 26 को ही लीजिए आप, 26 में हम देख रहे हैं 1 से डिविजिबल तो है ही, ये 26 से डिविजिबल है ये, उसके बाद एक नंबर 13 से भी डिविजिबल है। इस तरह से ये नंबर हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसको और एक तीसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे 60 एक नंबर है, 60 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यह 60 जो है कितने नंबर से डिविजिबल है, हम लोग ये 1 से डिविजिबल है, ये नंबर जो है 1 से डिविजिबल है, उसके बाद यह डिविजिबल है 2 से, 3 से और 5 से भी डिविजिबल है। डिवाइड करके आप देख सकते हैं 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। यहां तक कि 2 × 3 इसका पेयर आप ले लीजिए, 2 × 5, 3 × 2, 3 × 5,
ये जो भी नंबर आते हैं जैसे 6 हो गए 10 उसके बाद ये फिर से 6 ये 15 ये सारे नंबर से भी डिविजिबल है यानी कि आप यहाँ पेयर लेके भी कर सकते हैं दिखा सकते हैं। उसके बाद और देखते हैं किस किस से चीज से डिविजिबल है। ये 2 × 2 × 3 से भी डिविजिबल है, 2 × 2 × 5 से भी डिविजिबल है, 2 × 3 × 5 से भी डिविजिबल है, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, देख लीजिए 12 से भी ये 60 डिविजिबल है। उसके बाद 10, 20 से भी ये डिविजिबल है 60। इस तरह से 5 × 3 = 15, ये 30 से भी डिविजिबल है। इस तरह से देखते हैं कि इस 60 को डिवाइड करने वाले कितने सारे नंबर हैं। लास्ट में हम कह सकते हैं कि यह डिविजिबल है 60 से भी। तो यदि 1 और इटसेल्फ के अलावे वह नंबर किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो वह नंबर जो है हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 में हमारा दिया गया है 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 +13। यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर 13 कॉमन लिया जाए तो 7 × 11 +1 लिख सकते हैं। और यह जो है 13 × 77 + 1, तो ये आपका हो गया 13 × 78, ये हो गया आपका 13 × 2 × 3। तो 13 × 2 × 3 अब करेंगे तो यह आपको 78 मिलता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू आप निकालते हैं 1014 निकलता है। तो 1014 इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे तो 1014 आएगा ये। अब यहां देख रहे हैं कि 1014 का फैक्टर्स कितने हैं, 13 है, 2 है और 3 है। तो इस तरह से हम लोग यहां पे एक लाइन लिख के लिख भी सकते हैं कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13 × 2 से भी डिविजिबल है, 13 × 3 से भी डिविजिबल है। इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है अदर देन 1 and itself कहने का मतलब 1014 जिसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। तो सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। यह क्या हो गया आपका, एक कंपोजिट नंबर हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट है आपका कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। निश्चित रूप से दो टर्म है, एक टर्म ये और एक दूसरा टर्म ये, इस दोनों टर्म से हम लोग 5 यहां पर कॉमन ले सकते हैं। अब यदि आप 5 कॉमन लेते हैं तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आता है। और ये वैल्यू जो है 5 × इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 + 1 आएगा, ये 5 × 1009। तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस नंबर का वैल्यू आता है 5045। ये 5045 निश्चित रूप से 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ से डिविजिबल है। इसके अलावे चूंकि इसके लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है, ये 1009 से भी डिविजिबल है। इस तरह से देख रहे हैं कि बीच में और भी नंबर्स मिल गए जिससे ये डिवाइड होता है।
तो हम लिख सकते हैं कि हैंस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव एंड 1009 ETC. So it is a prime number. Sorry, composite number. ये क्या हो गया? एक composite number हो जाता है. इसके बाद हम question number 7 पे चलेंगे. Question number 7 में जैसा कि कहा गया है कि there is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि एक सोनिया नाम की लड़की और उसके बाद रवि और ये दोनों सर्कुलर पाथ एक ही फील्ड में है. अब एक ही फील्ड का सेम साइज का दो गो सर्कुलर पाथ हम अलग अलग के लिए दिखा लेते हैं. चूंकि यह कंप्लीट पूरा एक चक्कर लगाने में इसका टाइम लगता है वन राउंड में इसको टाइम लगता है 18 मिनट और इसको वन राउंड में टाइम लगता है 12 मिनट. तो निश्चित रूप से टू राउंड में इसको कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट लगेगा. इसको टू राउंड पूरा करने में क्या मिनट लगेगा? 24 मिनट लगेगा. अगर यह लगातार दौड़ते रहे, ये तीसरे राउंड में भी चला जाए तो ये 36 मिनट कंप्लीट कर लेगा. यहां देख रहे हैं क्या कि टाइम आपका जब जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो मिनट से, तो जीरो मिनट के ठीक 36 सेकेंड बाद देख रहे हैं कि सोनिया जो है दो ही चक्कर लगा पाती है, टू राउंड पूरा कर पाती है, और वहीं पर रवि जो है थ्री राउंड पूरा कर लेता है. तो दो राउंड पूरा करने के बाद ये जो है एक राउंड दो राउंड पूरा करने के बाद मान लीजिए कि ये यहां पहुंची सोनिया, तो इसी बीच में क्या होता है कि रवि तीन राउंड पूरा करने के बाद इसी पॉइंट पर आ जाता है. रवि भी यहीं रहता है और सोनिया भी यहीं रहता है. इस तरह से हम देखते हैं क्या कि दोनों फिर से दौड़ना जहां से शुरू किए थे फिर से एक बार दोनों एक जगह पे आते हैं. कितने सेकंड के बाद, कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद. अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इसका एचसीएफ निकाल देते हैं. हियर वी हैव टू फाइंड एलसीएम निकालना है यहां पे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. और हम एक मिनट आप लोग को यह भी समझाना चाहेंगे कि एलसीएम ही क्यों. एलसीएम इसलिए कि ये एलसीएम का फुल फॉर्म देखिए, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एक कॉमन ऐसा फैक्टर जो जिसे कि दोनों नंबर डिवाइड करे. यहां देख रहे हैं कि एक नंबर आपका 18 है और दूसरा नंबर 12 है. ये 18 और 12 किस नंबर को दोनों डिवाइड करेंगे? तो ये 36 को ही डिवाइड करेंगे. 18 टू जा 36 और 12 टू जा 3 जा 36. तो इस तरह से चूंकि यहां पर जब वो क्या कहते हैं राउंड लगाना शुरू करते हैं, एक ही राउंड में तो समाप्त हो गया नहीं है, कई राउंड लगते हैं, तो कई राउंड लगते हैं तो नंबर जो है हमारा आगे बढ़ते हैं, जो भी नंबर दिया गया है उससे आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ के जो नंबर होता है वो हमारा
एचसीएफ होता है, और इसके पीछे जो भी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए कि 18 और 12 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम 6 लिखेंगे, जो 6 एक ऐसा नंबर, एचसीएफ एक ऐसा नंबर हम है यहाँ पर होता है जो कि दोनों को डिवाइड करता है, और एलसीएम वो नंबर होता है जो नंबर जिस नंबर को डिवाइड करता है वो दोनों, बस यही अंतर हो जाता है एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और 18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, यहां पर एलसीएम निकालना है। तो जो भी कॉमन नंबर है, जैसे 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, तो कॉमन को पहले लिख लेंगे, 2 और 3 कॉमन है, बाद बाकी जो बच गए 2 × 3, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36 मिनट, है ना। तो इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर दे मीट आफ्टर 36 मिनट, दे मीट आफ्टर 36 मिनट अगेन, है ना, एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10 बाय आरएसपी। धन्यवाद।